नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस में हूँ घोषणापुर। फिलहाल हम मौजूद है हिसार के महावीर स्टेडियम में। यहाँ पर जो है कल एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है, डिप्टी सीएम यहाँ पर आएंगे और झंडा फहराने का यहाँ पर काम किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यहाँ पर धारा 144 लागू की गई है और किस प्रकार से इस स्टेडियम के अंदर जो है तैयारियां चल रही है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जुड़े रहिए आरएसएन के साथ। दोस्तों, इस समय महावीर स्टेडियम में मौजूद हैं और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं किस प्रकार से जो है तैयारियां चल रही हैं। और देख सकते हैं आप, एक मशीन यहां पर लगाई गई है जिसके द्वारा जो यहां पर वेस्टेज है, जो कूड़ा करकट है, उसको यहां पर उठाया जा रहा है। क्योंकि कल यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर। और आपको दिखा दें फिलहाल महावीर स्टेडियम की आप इस समय लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे बहुत कलर के यहां पर जो झंडे हैं वो कहीं ना कहीं लगाए गए हैं। और महावीर स्टेडियम के अंदर किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं वो आपको दिखाने के लिए इस समय हम मौजूद हैं दुष्यंत चौटाला। जी हाँ, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जो है हिसार के महावीर स्टेडियम के अंदर झंडा फहराएंगे। लेकिन इस महावीर स्टेडियम के बारे में आपको बता दें, लगातार यहाँ पर से जरा सी बरसात होने के कारण यहाँ पर काफी पानी भर जाता है। और अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका है कि बरसात आने की पूरी पूरी आशंका है। अगर ऐसे में बरसात आती है तो यहाँ पर जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर पानी भर जाता है, 4-4 फीट 5-5 फीट जो है पानी भर जाता है। अभी फिलहाल आपको इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है फिलहाल जो है इसको स्टेडियम के अंदर जो है अभी जो तैयारियां चल रही हैं, देख सकते हैं आप इस समय रंग रोगन का काम चल रहा है। कलर अभी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, सफेदी यहाँ पर अभी की जा रही है। हालांकि सवाल ये उठता है कि बस कल यहाँ पर जो है झंडा फहराने आएंगे, लेकिन जो तैयारियां हैं वो अभी तक कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। अभी आपको दिखाते हैं लाइव तस्वीर, आपको दिखा रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देख सकते हैं आप, अभी भी जो है इसके अंदर जो है रंग रोगन का काम किया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो काफी समय पहले इन कामों को पूरा कर लिया जाता, समय पर कर लिया जाता, लेकिन देख सकते हैं आप फिलहाल जो है तैयारियां चल रही हैं। देख सकते हैं आप फिलहाल जो है यहाँ पर अभी भी सफेदी का काम जो है वो यहाँ पर लगातार चल रहा है और इसकी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप। अंदर चलते हैं आपको, अंदर के क्या कुछ हालात है वो दिखाते हैं। लेकिन देख सकते हैं आप तैयारियां, कल ध्वजारोहण है और यहाँ पर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। और फिलहाल आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से स्टेज जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। स्टेज यहाँ पर देख सकते हैं आप, सोफों की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है, यहाँ पर सोफे लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप फिलहाल कल जो है यहाँ पे से डिप्टी सीएम जो है यहाँ पे झंडा फहराएंगे। और देख सकते हैं आप, एक ट्रैक्टर के जरिए जो है अभी पानी यहाँ पर ग्राउंड पर डाला जा रहा है। और देख सकते हैं आप लगातार ये जो झंडे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरे इस ग्राउंड के अंदर लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, पूरे इस ग्राउंड के अंदर लगातार लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो है यहाँ पर अभी फिलहाल जो है तैयारियां चल रही हैं। अभी अभी यहाँ पर सफेदी का काम जो है अभी यहाँ पर हुआ है।